सो गाइस, डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। और घर में कोई नहीं है, सब पटना गया हुआ है। और ये देखिए, कोई नहीं, सब में गेट बंद करके रखे हैं क्योंकि कोई नहीं है घर में। और जाके बिहार में इतना ठंड है कि लोग जो है घर से बाहर निकल नहीं रहे। देखे 11:30 बजने वाला है और देखे कुहासा किए हुए है। हवा देख रहे, ठंड ठंड हवा चल रही। देखे रोड पे एक आदमी भी नहीं दिख रहा, काफी ठंडा है। और देखते दूध वाला आया कि नहीं, अभी नहीं आया, जाने कब तक आएगा। 11:30 हो गया, चाय भी पीना है और नाश्ता भी नहीं किया। तो लेके चलते आपको छत पर, छत में भी दिखाते, काफी छत से आपको क्लियर दिखेगा। तो चलिए आगे छत पे देखिए, देख रहे कुहासा हवा, देख रहे आप कितना ठंडा हवा चल रहा। वो सब देख, झंडा कितना हिल रहा, इतना का पत्ता था। देखिए काफी ठंडा बढ़ा हुआ है। रोड पे एक आदमी भी नहीं दिख रहा, कुहासा है काफी और काफी ठंडा है। खेत खलियान कुछ नहीं दिख रहा, कुहासा। और 11:30 बज रहा है क्योंकि 1 जनवरी से जो धूप नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला है। ठंड ने लोगों को किया बुरा हाल। अभी तो नाश्ता पानी किए नहीं, अब देखते क्या बनाते। दूध आएगा तो दूध चाय बना लेंगे, अंडा है तो दो अंडा उबला हुआ खा लेंगे, चाय पी लेंगे, नाश्ता हो जाएगा मेरा तैयार, फिर खाना फिर देखा जाएगा। क्योंकि इतना ठंड में तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। मुझे लग रहा लकड़ी उकड़ी जलाना पड़ेगा, काफ़ी ठंड है तो लकड़ी उकड़ी के इंतजाम करते हैं जलाने के लिए। जूता उता पहन के हैं और लकड़ी भी जलाना पड़ेगा क्योंकि कुहासा तो चलता है, चलो बात ठीक है, पर हवा भी ठंड चल रही ना, बात यहाँ का टक गई। देख रहे नारियल का पत्ता कैसे हिल रहा है, पेड़ देखिए, नारियल का पेड़। अब देखिए कितना स्पीड हवा चल रहा है। तो कोई बात नहीं, लकड़ी उकड़ी का जलाने का करते हैं इंतजाम, फिर आग ताबा जाएगा। दूध अभी आया नहीं, दूध वाला देखिए कब तक आता है। दूध वाला आएगा तो फिर चाय वाय बनाएंगे, अंडा खाएंगे। तो इंतजाम करते हैं कोई चीज़ का जलाने के लिए, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, तो लड़की लकड़ी इंतजाम कर दिए है हमारे, लड़की इंतजाम। तो ये रहा, ये देखिए लकड़ी, छोटा छोटा लकड़ी है, सब जलेगा। ये टाइल्स के ऊपर ना, इसके ऊपर रखना है क्योंकि टाइल्स के नीचे रखेंगे तो फट जाएगा, इसलिए इसके ऊपर रख दिए हैं। ये देखिए, ये टाइल्स में कुछ नहीं होगा और इसको जलाएंगे। पहले दूध आ गया है, ये देखिए दूध आ चुका है। तो पहले चाय और अंडा उबालते हैं, उसके बाद आग जलाते हैं। तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और टाइम देखिए 11:40 होने वाला है, तो फटाफट अंडा उबालते हैं, चाय पीते हैं, फिर आग जलाएंगे आराम से बैठ के। तो मेरा अंडा उबल रहा है, ये देखिए 2 अंडा। और ये चाय भी उबल रहा है, मतलब इसमें थोड़ा अदरक डालेंगे। ये अदरक डाल दिए गर्म में, अब चाय पत्ती पत्ती डाल के चाय तैयार करते हैं फटाफट, क्योंकि इसमें बनाना पड़ रहा है, स्पिन धोया हुआ नहीं है। अभी अंडा भी उबल गया है इसलिए चाय तैयार कर रही है। देखिए मेरा अंडा तैयार हो गया है और चाय भी तैयार हो चुका है। अदरक डालने से जो है ठंड कम लगेगी क्योंकि अदरक में गर्मी होता है। और ये मेरा अंडा भी रेडी है। तो गाइस, तो मेरा नाश्ता तैयार हो गया, ये रहा। और ये देखिए आग जल गया है, काफ़ी ठंडा है।
अरे नीचे वो डाला है ना, सब डाले हाँ नीचे है ना जो दिया। और आप बता ठंडा कैसा है? बहुत ठंडा है, कश्मीर फेल है। कितना डिग्री है? माइनस माइनस तो नहीं है, 5-6 डिग्री है। चलिए देखिए पूरा बंद गेट करके रखे हुए हैं तो चलते नाश्ता करते हैं और आग तापते हैं, मजा करते हैं। बहुत कम आया, चाय काफी मजा आ रहा है ठंड में, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस तो नाश्ता वाश्ता कर लिए हैं और अब देखते हैं खाना का तैयारी। खाना नहीं खाएंगे, एक ही बार रात को खाएंगे, अब इतना ठंड में कौन बनाएगा। तब तक आग का मजा ले रहे, आग तापे, अब भुज भी किया, अब शाम को जलाएंगे। और ब्लॉग में बने रहिए, फिर शाम को जलते हुए बहुत कुछ दिखाना है। और आज मैच भी लिए हुए हैं, आपका 3 बजे से मैच है, बोस बगान से मैच है 3 बजे। तो अभी तो 12:10 हो रहा है, तो 3 बजे है, तो देखते हैं, बने रहिए क्या होता है, हारते या जीतते हैं देखते हैं। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब पिकनिक किए थे क्रिकेट वाले टीम के साथ तो मैच जीते थे, काफ़ी खुशी था। और आज फिर लिए, देखते क्या होता है। सो गाइस तो ये देख रहे धुआं कहाँ से आ रही है, नीचे लकड़ी रखे थे तो देखिए इसको उठाते हैं। ये देखिए नीचे लकड़ी रखे वो जल गया है, अब समझ गए लकड़ी नहीं रखना है, ईटा रखना है। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि धुआं कहाँ से आ रही है, धुआं कहाँ से आ रही है, अब कुछ समझ में नहीं आया भैया कहाँ से आ रही है धुआं। तब से अब समझ गए कि इसके नीचे ईटा रखना पड़ेगा। तो आग तो बुझ गई, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो हम आ गए हैं ईदगाह, जो है मैच है क्रिकेट का, और देखिए धूप भी निकल गया है, हल्का हल्का धूप निकला आज 5-6 दिन बाद। आए बिट्टू आए, क्या कहना चाहिए, इन्हीं से मैच है बोस बगान से, कुछ कहना चाहिए 6-7 दिन बाद धूप निकला है तो। हाँ यहाँ देखिए सब प्लेयर पहुँच गया है, अब कुछ ही टाइम में जो है टॉस होने वाला है और यहाँ पे आग जल गया है। चलिए ठीक है, तो अब टॉस उस होगा तो फिर मिलते हैं। सब टॉस होने वाला है तो चलते हैं फटाफट, सब टीम आ गया है और आज धूप भी निकल गया, काफी खुशी की बात है। 4 बजे 3:30 बजे धूप निकला है, तो चलते हैं मैच खेलने के बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस तो मैच जीत गए और यहाँ पे सब लकड़ी उकड़ी जला के मजा लेते हुए, ठंडा का प्योर लकड़ी, प्योर देसी स्टाइल में। कुछ बोलना चाहिएगा मैच जीते तो? बहुत अच्छा है, आप लोग का सपोर्ट है जो मैच जीत गए। और देखिए ब्लैक बॉय कल्लू का जो इन्होंने मैच लिया था अच्छा बॉस बगान से, अच्छा और आग का इंतजाम भी किया था और बोल देखिए मैच हार गए आप लोग, मैच हार गए, अरे अभी तक आने वाला अजीत भाई अपने छत पे से देखते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आते हैं अजीत भाई, वो भी भारी बल्ला लेकर के दबंग स्कोर वाला तो ठीक है दोस्तों, तो चलते अब घर क्योंकि ठंड बढ़ रहा है। मैच जीतने के बाद जो है यहाँ पार्टी हो रहा है, ये देखिए समोसा मोसा ज्यादा बना हुआ, सब प्लेयर हमें बैठा हुआ है समोसा खाने के लिए। तो हम जब समोसा वोसा खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो आ गए हैं समोसा खा के और अब मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर चाय वाय पीते हैं। मुंह हाथ धो लिए, फ्रेश हो गए हैं और सुबह से अब जाके टोपी खोले हैं, अब जाके क्योंकि ठंड अब शाम को कम है कि अभी डिग्री देखे ना कितना डिग्री थे, क्योंकि सुबह में 9 था फिर 10 था फिर 11 फिर 12 ऐसे चल रहा था, अभी लगता है 18-19 है, कम है ठंडा। तो अदरक वाली चाय ये देखिए, वाह
सो टेस्टी, अदरक वाली चाय पिए पूरा शरीर गर्मा जाएगा। और समोसा वमोसा तो खा लिए क्योंकि मैच जीते थे तो समोसा भी खा लिए। आज सुबह खाना नहीं खाए थे दोपहर में, वही नाश्ता में अंडा और चाय पानी खाए थे बस। और आपका जा करके अब खाना वाना बनाएंगे, चाय वाय पीने के बाद आधा एक घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो चलते आज का व्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं, इसी तरह प्यारा सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि आज ठंड काफ़ी थी सुबह और अभी ठंड है नहीं। और तो खुश रहें, परिवार के साथ रहें और बस। और क्या कहना चाहिए, बस मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, ब्लैक बॉय कल्लू 9396 पे। और अदरक वाली चाय काफ़ी टेस्टी, काफ़ी मज़ा आ रहा। तो आज का व्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं, इसी तरह प्यारा सपोर्ट बनाए रखें और खुश रहें, परिवार के साथ रहें। फिर मिलते हैं कल, बाय।